वेलकम टू ब्रेन गेन स्टडी। आज के वीडियो में हम आपको कुतुब मीनार के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुतुब मीनार को 1199 में हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम बादशाह कुतुबुद्दीन शाह ऐबक ने बनवाया था, लेकिन कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन शाह ऐबक के वक्त में पूरी तैयार नहीं हो पाई थी। कुतुबुद्दीन शाह ऐबक की मौत के बाद बादशाह इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, जो कुतुबुद्दीन शाह ऐबक के दामाद थे और हिंदुस्तान के दूसरे मुस्लिम बादशाह थे। उस वक्त में कुतुब मीनार को केवल 4 मंजिलों का ही बनाया गया था। 14वीं सदी में बादशाह फिरोज शाह तुगलक के वक्त में बिजली गिरने की वजह से मीनार को बहुत नुकसान पहुंचा था। तब बादशाह ने मीनार की मरम्मत करवाई और बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने ही कुतुब मीनार की आखिरी 5वीं मंजिल को बनवाया था। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। ईंट की बनी यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। कुतुब मीनार का यह नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे इतिहासकार कई तर्क देते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका नाम कुतुबुद्दीन शाह ऐबक के नाम पर पड़ा, वहीं कुछ और इतिहासकार मानते हैं कि इसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार पड़ा, जो बगदाद के एक सूफी संत थे जिन्हें बादशाह इल्तुतमिश बहुत ज्यादा सम्मान देते थे। कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात करें तो ये 72.5 मीटर ऊंची है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं जो मीनार की चोटी तक पहुंचती हैं, लेकिन इस मीनार को अंदर से बंद किया हुआ है जिससे आप इसे केवल बाहर से ही देख सकते हैं। सन 1974 से पहले कुतुब मीनार आम लोगों के लिए खुली हुई थी, लेकिन 4 दिसंबर 1981 में यहां आए लोगों के साथ एक भयानक हादसा हुआ जिसमें भगदड़ के दौरान 45 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से इस इमारत के भीतरी हिस्से को बंद कर दिया गया था। जब हिंदुस्तान में खिलजी सल्तनत का दौर आया तब अलाउद्दीन खिलजी की चाहत थी कि कुतुब मीनार जैसी एक और इमारत बनवाई जाए जो कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंचाई वाली हो। इस इमारत का बनना शुरू हुआ लेकिन यह पूरी नहीं की जा सकी। अलाउद्दीन खिलजी की जिस समय मौत हुई उस समय यह इमारत लगभग 27 मीटर तक बन चुकी थी, लेकिन अलाउद्दीन की मौत के बाद उनके बच्चों ने इसे खर्चीला मानकर काम रुकवा दिया। इसे अलाई मीनार का नाम दिया गया था और यह आज भी अधूरी खड़ी है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक लौह स्तंभ या आयन पिलर भी मौजूद है जिसको देखने के लिए सैलानी बड़ी तादाद में आते हैं। यह 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन लोहे से बने इस खम्बे में आज तक भी जंग नहीं लगा है और यही चीज इसे सबसे खास बनाती है। 19वीं सदी में कुतुब मीनार की 6वीं मंजिल को बनाया गया था जिसका नाम कुपोला रखा गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।